रिटेलर भाइयों, मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं आपके साथ देश में किस तरीके से डिजिटल पेमेंट से प्रगति हो सकती है इसके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। पिछले 45 से 50 साल के मेरा जो बैंकिंग क्षेत्र में संबंध रहा है, मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रथम प्रयास फाइनेंशियल इंक्लूजन का हुआ है, जिसमें देश के आखिरी व्यक्ति तक जो है बैंकिंग सर्विसेज पहुंचना चाहिए, वो प्रयास बैंक के राष्ट्रीयकरण से शुरू हुआ है 1969 में। उसके उपरांत जो है एक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1976 में शुरू हुआ था, और इस तरीके से ये यात्रा हमारी आगे बढ़ते रही। और इसके बाद लगभग 2006-07 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है नई गाइडलाइंस जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब आर्थिक जो हमारे सेवाएं हैं वो कैसे हर घर में और आखिरी आदमी तक पहुंचे, इसके ऊपर जो है बैंकों को कुछ नए और निर्देश दिए, जिसके अंतर्गत बिजनेस करस्पॉन्डेंट को बैंकर्स ने जो है उपयोग में लाया। और आज हमारे पास में बैंकर्स करस्पॉन्डेंट का काफ़ी अच्छा नेटवर्क भी तैयार है। इन सब के बावजूद भी बैंकों की 132,000 शाखाएं हैं, जिसमें से 60% लगभग रूरल एरिया में है। अभी भी हमारी सेवाएं आखिरी माइल तक नहीं पहुंच पाई हैं। उसके बहुत से कारण हैं, उसमें मुख्य कारण है कि हमारा देश, जिसकी आबादी 132 करोड़ से ज़्यादा है, लगभग 7 लाख गाँवों में बसा हुआ है, और इसमें से जो है 6 लाख गांव जो है इनकी आबादी 5,000 से कम है। ऐसी परिस्थिति में आखिरी परिस्थिति तक पहुंचना एक बहुत बड़ा जो है फाइनेंशियल सेक्टर के सामने चैलेंज है। और इसके तहत 2014 में जनधन योजना की शुरुआत हुई, और इस जनधन योजना में ये प्रयास किया गया कि हर बैंक अपनी शाखाएं जो हैं रूरल और सेमी अर्बन में, इसके अलावा जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट है, इनके द्वारा हर घर में एक एक खाता खोले और बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करें। और इस प्रयास में लगभग 40 से 45 करोड़ के करीब खाते जो है वो खोले गए हैं। इसका बहुत बड़ा जो लाभ हुआ है देश में, वो ये लाभ हुआ है कि जो भी हमारे किसान भाइयों को, हमारे जो गरीब साथियों को जो सब्सिडी मिलती है शायद सरकार से, वो डायरेक्टली उनके खातों में जाती है। परंतु ये सब होने के बावजूद भी हमारे जो लास्ट माइल है, या जो आखिरी व्यक्ति है जो छोटे छोटे कस्बों में घर बसे हुए हैं, उनके तक अभी भी ये सुविधाएं ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। और ये चैलेंजेस हैं, जैसे मैंने बताया कि बैंक की शाखाएं ऐसे नहीं खोली जा सकती हैं, इसलिए जो नए नए प्रयास किए जा रहे हैं, और उसमें जो मुख्य प्रयास है कि हम लोग जो हमारे हर गांव में किराने की दुकान होती है, उन दुकानों के मार्फत हम कैसे बैंकिंग की सुविधाएं हमारे ग्राहक तक पहुँचाए, हमारे हर घर में पहुँचाए, ताकि वो अपने बैंक के खाते का पूरा पूरा उपयोग कर सकें। और जो आज हमारे देश में सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि हर व्यक्ति के पास हर घर में मोबाइल ज़रूर है, पर अगर आप पूछेंगे कि क्या उनके पास में सारी फाइनेंशियल सर्विसेज उपलब्ध हैं, नहीं। क्यों? एक तो उनको शायद बराबर उसके बारे में जो है शिक्षण नहीं दिया गया है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके तक पहुँचा नहीं है, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस व्यवस्था को और आगे बढ़ाएं, और इस व्यवस्था को बैंक और बिजनेस करस्पॉन्डेंट के अलावा हमारे जो रिटेलर्स हैं, जो छोटी छोटी दुकानें हैं गांव में, जहां हर गांव का व्यक्ति ज़रूर जाता है, उनके मार्फत ये सुविधाएं आगे बढ़ाएं। और यही प्रयास जो है पे नियर बाय के द्वारा किया जा रहा है। मेरे ख्याल से आप इन सब चीज़ों से सहमत होंगे। धन्यवाद।